अभी हम लेके जा रहे हैं एमी को हॉस्पिटल। अब एमी के यहाँ पे जांच वगैरह करवा लेते हैं, डॉक्टर सर को दिखा लेते हैं। इसके फेफड़े में खप जम गए खतरनाक तरीके से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। फाइनली हम लोग पूरे 10-11 दिन के बाद में आज वापस हमारे फ्लैट पे आए हैं। भाई 10 दिन से शादी इंजॉय करे जा रहे थे। गाइज अभी भी 2-3 दिन सवाई माधोपुर रुकने वाले थे, सभी सब्सक्राइबर भाइयों से मिलने वाले थे, गणेश जी ढोकने वाले थे, रणथंभौर घूमने वाले थे, बट ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि हमारी बेटी एमी बीमार हो गई। गाइज शादी में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, मामा मामी मौसा मौसी सब लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करे थे। वहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे 2 दिन हो गए हमको, लेकिन 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि माथा काम कर ही नहीं रहा था। एमी ज्यादा बीमार थी, इसको सांस आने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो खप था ना वो अंदर जाके बैठ गया अच्छे से। अभी फाइनली इसका जो हर चीज से हमको पता लग रहा है कि अभी अच्छी है और अच्छा खेल रही है और अभी रो भी नहीं रही है और सांस भी अच्छा से ले रही है। अंकिता इधर झड़ पोछा कर रही है, भाई इस रूम का कर दिया, इसका कर दिया, अब मनमोहन वाले रूम का कर रही है। एमी से मिलवा देता हूँ मैं आपको। बाबू तेरे लिए सब प्रे कर रहे हैं कि आपकी एमी कैसी है, आपकी एमी कैसी है, देख कितनी पतली हो गई बेटा तू, कुछ तो बोले एमी, जय श्री राम कर ले बेटा। एमी इंजॉय कर रही है गाइस और अंकिता भी झाड़ा पोछा कर रही है। मेरे को जाना है नीचे दुकान से कुछ सामान लेके आना है। तो गाइस अभी बज चुके हैं 12:30 और अभी हम लेके जा रहे हैं एमी को हॉस्पिटल। इसकी जांचें वगैरह करवाएंगे, फिर से इसको दिखाएंगे क्योंकि इसके निमोनिया हो गया था और ब्लड की भी थोड़ी सी कमी आई थी, तो एक बार और डॉक्टर को दिखा लेते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। तो मस्तराम जी लेके आ रहे बाइक को बाहर, मैं और एमी हूँ, साथ में इसकी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ भी ले जाते हैं डॉक्टर को दिखा दें कि चेंज करनी है दवाइयाँ, ये यही ठीक है। हाँ बोलो, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। वीडियो देखता है तू? हाँ। थैंक यू। मेरी दीदी भी देखती है। आपकी दीदी भी देखती है? मैं आज आपके घर पे आऊँ। बच्चे बोल रहे वीडियो देखते हैं, आज आपके घर पे आएंगे। मेरे को मिली थी परसों दिन। हाँ लड़के की तरह बोलते हैं पर हमेशा। चलो बेटा। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए बराला हॉस्पिटल। अब एमी के यहाँ पे जांच वगैरह करवा लेते हैं, डॉक्टर सर को दिखा लेते हैं, इसकी पुरानी दवाई भी है तो ये भी दिखा लेंगे और अब कैसी ही रहे, एमी के क्या तकलीफ पे क्या नहीं है वो आपको सब बताएंगे। हम आ गए हॉस्पिटल में और आते ही पर्सनल रूम मिल गया, तो यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं डॉक्टर सर का, आएंगे तो एमी को दिखाएंगे। फिर आते ही चाय भी आ गए भाई, थैंक यू ब्रो। और क्या हाल चाल? कॉपी रेडी कर रखी थी क्या पहले? तो भाई जी एमी को दिखा लिए, एमी की दवाई आई है कम से भी कम नहीं तो 1500 रुपए की भाई, और हर महीने ज़्यादा भी नहीं तो हर महीने 1500-2000 कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक होती रहती है, कभी सर्दी जुकाम, कभी क्या, हर महीने 1500-2000 रुपए मेरे लग रहे हैं 6 महीने के हो गए। और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है अंकिता की, इसको सेफ फुली रखना नहीं आता, इसको कहीं भी जाएगी तो सब पड़ी रहेगी गाड़ी, कोई ना भी दे रही कुछ भी कर रही। पर अब फिलहाल सही है कि भाई जो भी ठीक है दवाई वगैरह आती है जो भी है, लेकिन अब एमी ठीक है, पर अब दिमाग की टेंशन ही नहीं निकलती, हर महीने 2000-1500 इधर तैयार करके रखो। चला बोल रही है क्या? दांत तोड़ दूंगा तेरे। दांत अभी गए नहीं है उसके। तो इसके दांत तेरे तोड़ दूंगा मैं, इसके बजाय तेरे टूट जाएंगे। मेरे क्यों टूटेंगे? तुम दोनों ने कर दिया बर्बाद मेरे को। कौन मानक न मानक शान मनिंदर हो गए? देखो इल्जाम गए, इल्जाम देखो इनका, देखो रोज 1500-2000 की दवाई, ये अभी 1200-1300 रुपए की लेके आया मशीन। बोले एमी कुछ बोलना चाहती है? कुछ नहीं बोलना चाहती। क्यों रहे? बोल रहे देखो मेरे को झूठ में मत लड़ो, नहीं मेरे को गुस्सा आ गया, अभी आ गया। पागल ही कर दिया साले, हर 10 दिन में 1000 रुपए की दवाई, हर 5 दिन में काहे क्यों, हर 5 दिन पेट दुख रहे काहे क्यों, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए चलो हॉस्पिटल, थोड़ा सा कुछ हो जाए चलो हॉस्पिटल। गाइस मैं आ गया घर पे एमी को दिखा के, और एमी और अंकिता अंदर आराम कर रही है और मैं भी आराम कर ही रहा था क्योंकि मैंने बाल में थोड़ा तेल वेल करवाया था अंकिता से। उतने में ही सब्सक्राइबर भाई आया है अपना गिरिराज भाई। राम राम जी, क्या हाल चाल भाई? बस बढ़िया। क्या नाम से है आपके आईडी? ओए गिरी व्लॉग्स। तो गाइज ये वाला चैनल मैंने बना के दिया था इसको ओए गिरी व्लॉग्स, तो ये अपनी विलेज लाइफ के बारे में वीडियो शेयर करता है, तो आप देखना जाके और भाई को सब्सक्राइब वगैरह करना। तो गाइज अंकिता जी ने आज चाय बना दी, चाय बनाने का विशेष कारण ये है कि अपने मित्र गण आए हुए हैं। हेलो भैया, हमारी चाय खत्म हो गई। कप थोड़े छोटे है ना? कप थोड़े छोटे हैं। और मैंने व्लॉग भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया, चाय पीते हुए कम से कम आपको बहुत टाइम हो गया। और हम कह थोड़े भारी हैं तो इनको चाय की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा देनी थी, लेकिन इन्होंने दी नहीं,
बिल्कुल सर, पर चाय स्वादिष्ट थी ना इसलिए, हाँ इसलिए हमने क्वांटिटी कम कर दी। दूध कहाँ से लाते हो? ये दूध हम अजमेर से मंगवाते हैं, मिस्टर इंडियन है करके घर से, इसलिए स्वादिष्ट है ना। हम क्या इधर ही शूट करते रहते हैं तो नीचे हमारे क्या है 5-5 रुपए लेता है तो चाय वाला, टीम क्या है 7-8 जनों की है। सस्ती दे रहा है चाय यार, 10 रुपए कर दिया अभी तो। नहीं 5 रुपए पहचान है तुम्हारी, 40-50 रुपए लगते हैं तो हम ऐसे सोच रहे हैं भाई यही एक दो बार दिन में। कोई बात नहीं, आप आ जाया करो। क्या है मैं ऐसे व्लॉग बना के डाल दूंगा, अंकिता मस्तराम जी ने हमारे को चाय अच्छी नहीं पिलाई। और भाई तो अपने पहचान वाले हैं, हॉस्पिटल में मिलते रहते हैं अपने को। गाइस ये लेके आया था मशीन, और आज मनमोहन की भी फेयरवेल पार्टी थी तो भाई कटिंग वटिंग करवा के अलग ही लग रहा है, बढ़िया है। हर रोज कटिंग करवाया कर। एमी को लगा रखा है नेबुलाइजर, एमी को है ना बढ़िया, इसके फेफड़े साफ हो जाएंगे गाइस। इसके फेफड़े में खप जम गए खतरनाक तरीके से, सांस आने में तकलीफ होती है इसको, 3-4 बार नेबुलाइजर करना पड़ता है इसको। देखो गाइस कितनी सारी दवाइयां हैं, इधर देखो। ठीक हो जा बेटा फटाफट, फिर तेरे को घुमा के लाता हूँ तिरुपति बालाजी के। गाइज घर पे गेस्ट सब्सक्राइबर भाई आए हुए थे तो उन लोगों से फ्री होके अब मैं आया हूँ किराना स्टोर पे, तो यहाँ से कुछ सामान लेना है भाई, तेल वगैरह खत्म हो रखा है, मिर्ची वगैरह, तो सब सारे सामान खरीद लेता हूँ। अभी बज चुके हैं शाम के 9, मतलब रात के 9, और मैंने मस्तराम जी को मार्केट भेज दिया था, कुछ सामान खत्म हो गए थे तो सामान वगैरह लेके आए हैं, और मेहमान भी है घर पे, एक भैया आए थे मिलने वो लेट हो गए थे इसलिए आज घर पे रुक गए, तो अभी मैं दाल बाटी बना लेती हूँ। तो मस्त राम जी तेल और बहुत सारे सामान लेके आए, इधर मेरी दाल उबल रही है, और गाइस मस्त राम जी भी आते ही सो गए एमी के पास। अब इसके कपड़े चेंज कर दे, 3 महीने से यही कपड़े पहना रखी तूने, 3 महीने से 2 महीने और चल ले दो अभी तो। देख इसके कलर देख, हाँ तो व्हाइट तो ऐसे, इसको नहला भी दे और इसको मालिश कर दे और ये कपड़े चेंज कर इसके। गाइस मैंने एमए को है ना उल्टा करके उधर सुलाया था, लेकिन है ना घूम घूम के देखो मेरे साइड में होकर, पहले पता है कैसे सो रही थी, ऐसे सो रही थी, ऐसे हाथ नीचे करके ऐसे सो रही थी, हंस रहे थे, गुस्सा आ रहा है, देख उठने की कोशिश कर रही है। गाइस इसको नजर का इतना प्रॉब्लम होता है, पर भाई खतरनाक, जब भी नजर निकालते नजर निकलती है। गाइस आज अंकिता ने दाल बाटी बनाई है, तो गिरिराज भाई भी यहीं रुका है हमारे घर पे, भाई को भी दाल बाटी रख दिया, अब हम लोग खा रहे हैं, अंकिता और मनमोहन हम लोगों को खाना परोस रहे हैं। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और अब हम सोएंगे, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, नाइट सूट पहन लिया है, और एमी है मेरे पास, एमी और मैं खेल रहे दोनों माँ बेटी, इसको नेबुलाइजर भी दे दिया है, अभी 4 टाइम हो गया इसका, इसको सुलाने का टाइम है तो बस ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर कल सुबह देंगे। तो खाना वाना बना लिया था, खाना खा लिया है, दाल बाटी बनाए थे आज, भैया आए थे इसलिए, आप डिस्टर्ब मत करो मेरे को। दोनों बाप बेटी का प्यार चल रहा है, ये देखो दोनों का प्यार चल रहा है, इधर देख सकते हो आप, देखो ये प्यार करती है ना तब खतरनाक करती है, बट डोंट एंग्री मी, अत्ता माजी शटकली। गाइज एमी का एक ही काम है, खुश रहेगी और खेलेगी, तब तक तो खूब खेलेगी, अगर रोने लग गई तो फिर भाई फिर चुप नहीं होगी, और फिर तो मुझे लेना पड़ेगा उसको। अब इसको इसके पापा इतने परेशान करते, इतने आज तो इसके ऐसी हालत कर दी बेचारे की, ये जैसी सोए वैसी अभी उठी है। एमी बीमार हो गई थी, एमी बीमार हो जाती फिर एमी मेरे को ना पैसे लगवाती बहुत सारे पापा के, बस हाँ तो पैसे पैसे आए पूरे ब्लॉग में, पैसे पैसे लगते हैं तेरे पापा के एमी, और क्या दिमाग खराब है मेरे पैसे के मामले, देखो बच्चे पैदा होंगे तो पैसे भी लगेंगे, सही बात है। मुंगेड़े सा मुंडा क्या होता है, जिसके मुंडे में कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब मुंगेड़े की सब्जी खाई है तूने कभी? नहीं मैं जानती नहीं हूँ, उसकी तरह मुंडा है तेरा, न टाइम पे कपड़े चेंज करवाती है, न टाइम पे नहलाती है, न टाइम पे इसकी मालिश होती है, न टाइम पे इसका ख्याल रखता है, ना ये टाइम पे दूध पिलाती है इसको, कुछ काम करने लग जाएगी तो फिर करती रहेगी। गाइज इतने झूठे है ना, इतने झूठे, अब देखो शादी में जाएंगे, शादी वाला घर है, मेहमान भी रहेंगे, कई बार वहाँ पे दूध की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सोने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरा क्या कसूर है उसमें, बच्चे तो बीमार हो गए ना, उसमें मेरे को दोष देते हैं कि तेरी वजह से बच्चे बीमार हो गए। अब मेरा क्या है, शादी वाला घर है, ठंड लग गई इसको थोड़ी बहुत, नहलाया तो वैसे भी नहीं था इसको, बस 2-3 बार नहलाया था, वरना रुमाल गीला करके उससे पोंछ देती थी। इसने मेरे को एक टॉपिक बोला, मैं क्या इसकी बात को एक एक करके खत्म करता हूँ, ठीक है। इसने पहली बात बोली झूठा, अगर मैं एक भी शब्द झूठा बोल रहा हूँ जो बोले आपकी उसकी कसम खा जाऊँ, ठीक है। पहली चीज
दूसरी चीज कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, शादी वाला घर है, फलाना घर है। देखो जिसके घर में बच्चा होता है ना, उसको सब प्राइवेटी देते, चाहे वो जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे शादी में हो, इसको सब प्राइवेटी दे रहे थे, इसको सब रख रहे थे, फिर भी बीमार हो गए। उसका कारण क्या था पता है? रात के 12 बजे तक जगना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चे का ख्याल बाहर में रख रही है तो इसको उड़ा पहना कर, तो तेरे को तो ऐसा लगता है कि इसकी सर्दी खत्म हो गई अब, लेकिन जाती हुई सर्दी सबको लगती है। खूब एक सेकंड के अंदर रोएगी तू, ये रोने का पूरा कोशिश चाली है, बस ये स्टार्ट हो गई रोना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, ये इग्नोर कर रही है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए इधर मुंह कर रही है। कल का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग कुछ नई चीज बताने वाला है आपको। बाय बाय, गुड नाइट।